कैथल में आज शिरोमणि अकाली दल हरियाणा की एक मीटिंग का आयोजन नीम साहिब गुरुद्वारा में किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता पंजाब सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने की। इसके बाद पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान सुरजीत सिंह रखड़ा ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब में प्रकाश सिंह बादल लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा में भी अकाली दल लोगों के हितों की लड़ाई लड़ेगा। श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया कि असी हरियाणा के सारे सीटों के उत्ते सारिया इलेक्शन लड़निया ने, चाहे वह पंचायत की हो, चाहे ब्लाक समिति की हो, जिला परिषद हो, असैम्बली हो, पार्लीमेंट उसके संबंध के असी सारे जिले मीटिंग कर रहे हैं। पहले साड़ी मीटिंग चीके हुई सी, अज इतने कैंसल रखी है। तो साढ़े लोगों के बहुत बड़ा उत्साह है। तो लोग हम वेट करते हैं कि जिमें साहब प्रकाश सिंह बादल जोड़े पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिमें उत्थे वेलफेयर के काम किए ने, जिमें ट्यूबवैलों ने बिजली माफ़ किए, एसी भाईचारा 200 यूनिट माफ़ किया, पेंशन तो सगन स्कीम, तो वह सारा कुछ इतों भी लोग आस भरते हैं कि साड़ी भी उदा काम होने चाहिए। लोगों के बहुत बड़ा उत्साह है। देखिया भी किडिया साड़िया मीटिंग हो रही ने, किन्ने लोग उत्साह के नाम और सानू 100% उम्मीद है कि जी आने वाली असैम्बली है ये असं कामयाब हो। वहीं इस पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सुरजीत सिंह रखड़ा से कई तीखे सवाल पूछे और इन तीखे सवालों के आगे सुरजीत सिंह रखड़ा निशब्द नजर आए। सबसे पहले पत्रकारों द्वारा SYL मुद्दे पर अकाली दल का स्टैंड क्लियर करने के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय सुरजीत सिंह रखड़ा बगले झांकते हुए नजर आए। इस सवाल का स्पष्ट जवाब न देते हुए सुरजीत सिंह ने कहा कि SYL पर हरियाणा का अपना स्टैंड है और पंजाब का अपना। जब उनसे ये पूछा गया कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब की पार्टी है, तो फिर हरियाणा के हक के लिए वो SYL की लड़ाई कैसे लड़ेगी, तो गोलमोल इस सवाल का जवाब देते हुए सुरजीत सिंह ने कहा कि अकाली दल हरियाणा हरियाणा के मुद्दों को उठाएगा और अकाली दल पंजाब पंजाब के मुद्दों को। देखो SYL दे उत्ते हरियाणा दा बिना दा अपना स्टैंड है, पंजाब दा अपना स्टैंड है, हर बंदे दा आपो अपनी स्टेट दे लिए अपना अपना। आप चाहेंगे कि SYL में पहले हरियाणा को मिले? देखो मैं जो पंजाब वाले लोग हैं उनका अपना स्टैंड है, जो हरियाणा वाले लोग हैं उनका अपना स्टैंड है, पहले भी यही चल रहा है। तो सर आपकी पार्टी तो पंजाब की है, अकाली दल का एक भाग, सभी आप क्या कहते? देखो हरेक पार्टी का आपको अपना होता है ना, ये श्रोमणी अकाली दल हरियाणा है, बिल्कुल लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सर प्रकाश सिंह बादल जी कुछ भी हरियाणा को देना नहीं चाहते, चंडीगढ़ की बात करें, पानी के SYL की बात करें या गुरुद्वारों की बात करें, आप उन्हीं की छत्रछाया में इलेक्शन लड़के हरियाणा जीतना भी चाहते हैं, तो क्या हरियाणा को दोबारा पंजाब की तरफ ले जाने का रुझान है या अपने हकों के लिए लड़ने का रुझान है, तो फिर उनकी पार्टी के पंजाब क्यों हरियाणा में लड़ेंगे? देखो हरियाणा वाले हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब वाले पंजाब की बात करेंगे, और जहाँ तक कि इकोनॉमिक्स की बात है, कहने की और करने की बात है, एक ही है कि जो कहते हैं वो करते हैं। ये वो तो हो ही रहा है कि वो पानी नहीं देना चाहते, पानी नहीं दिया जा रहा हरियाणा को, ये डिमांड करेंगे पानी लेने की, ये पानी की लेने की मांग करेंगे। यहाँ पर काबिले गौर यह है कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा का SYL मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर गुरुद्वारों का मुद्दा हो, इन सभी पर कोई स्पष्ट जवाब देना नहीं चाहते। आज की पत्रकार वार्ता में भी यही लगा कि जैसे शिरोमणि अकाली दल का हरियाणा के इन सभी मुद्दों को लेकर कोई स्टैंड अभी तक क्लियर ही ना हो। सत्य खबर के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।